और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। महानगर टॉप 10 आपने देख ही लिया है। ग्रेटर नोएडा से आज की बड़ी खबर, जहां पर 5 बिल्डर के ऑफिस सील किए गए हैं। आरसी के पैसे नहीं देने पर कार्रवाई हुई है 5 बिल्डर्स के खिलाफ। बकायेदार बिल्डरों पर कार्रवाई और बिल्डर्स पर 67.69 करोड़, यानी कि लगभग 70 करोड़ का ये बकाया है। सदर तहसील ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस पर खबर देने के लिए मौजूद है फोन लाइन पर। हिमांशु, ये बड़ी खबर है, ये 5 बिल्डर्स कौन है जिनके ऑफिस सील किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें कि आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट ये जारी किया गया था यूपी रेरा की तरफ से, और इसको लेकर लगातार एसडीएम सदर की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे थे रिकवरी को लेकर। और जो नोटिस भेजे जा रहे थे, ना तो उसका कोई जवाब दिया जा रहा था और ना ही जो पैसे का भुगतान है वो किया जा रहा था, और बीच में लोकसभा के चुनाव थे लिहाजा कार्रवाई रोकी गई थी 2 महीने के लिए। लेकिन एक बार फिर से जिला प्रशासन एक्शन मोड में है और 5 बिल्डर पर 67.69 करोड़ रुपए बकाया था, जिनमें ग्रीनवे व ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंपीरियर है, सॉलिसिटर रियल इंफ्राटेक है, सिक्का है, सनवर्ड है। ये बड़े बिल्डर्स हैं जो शामिल हैं, जिनके ऑफिस कार्यालय अब सील कर दिए गए। और ये भी स्पष्ट किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से कि अगर ये सील खोली जाएगी बिना जानकारी के या बिना बकाया भुगतान के, तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, वारंट लेकर गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हिमांशु शुक्ला, हमारे सहयोगी ने विस्तृत खबर आपको बताई है। बिल्डर्स पर लगभग 67.69 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके खिलाफ 5 बिल्डर्स के ऑफिस सील किए गए हैं।